viewers, today I am going to tell you, can I know if my phone is being monitored? क्या आपका फोन किसी के द्वारा देखा जा रहा है? Below are the few signs that would let you know if your phone is being monitored. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं कि आपका फोन किसी के द्वारा देखा जा रहा है कि नहीं. Further, you can take necessary measure protect your privacy for getting vandalized. और उसके लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन और प्राइवेसी नज़र फॉलो करनी होगी. पहला है, जब आपका फ़ोन किसी के द्वारा मॉनिटर होता है तो फास्टर बैटरी ड्रेनेज होती है. अनवांटेड एप्स ऑन योर फोन, अनहीटेड ऑफ सेल फोन, इंक्रीज इन डेटा यूसेज, डिवाइस माल फंक्शनिंग, बैकग्राउंड नॉइज वाइल मेकिंग कॉल्स, ऑड ब्राउजर हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाली हैं. और क्या क्या मेज़र लेने हैं वो आपको हम डिफरेंट पॉइंट में बताने वाले हैं कि कैसे फैक्ट्री रिसेट करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, डिवाइस को स्पाई ऐप को डिलीट कर देना चाहिए, इंस्टॉल एंटीवायरस करना चाहिए, प्रोटेक्ट योर फोन विद स्क्रीन लॉक, पासवर्ड, पिन और फिंगरप्रिंट लॉक, ये सारे प्रोटेक्शन लेने चाहिए. लेकिन क्या इससे क्वेश्चन उठता है कि क्या फैक्ट्री रिसेट से स्पाई ऐप्स हट जाएगा? क्या पर्सन रीड माय टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम द फोन? क्या मेरे फोन से लोग टेक्स्ट पढ़ सकते हैं? क्या समवन स्पाई थ्रू अ फोन कैमरा, कैमरे के थ्रू कोई स्पाई कर सकता है? कैन अ सेल फोन बी हैक विदाउट द इंटरनेट, बिना इंटरनेट के भी क्या फोन हैक होता है? व्हाट हैपन व्हेन योर फोन इज हैक, और आपका फोन अगर हैक होता है तो क्या होता है? डस फैक्ट्री रिसेट रिमूव हैकर्स, क्या रिमूव कर देती है फैक्ट्री रिसेट करने से हैकर को? व्हाट हैपन आफ्टर द फैक्ट्री रिसेट, और फैक्ट्री रिसेट होने के बाद क्या होता है? तो इतनी चीजें हम बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. फर्स्ट इज अ फास्टर बैटरी ड्रेनेज. व्हेन योर डिवाइस इज मॉनिटर बाय समवन, देन द बैटरी ड्रेनेज, क्योंकि सिंस द स्पाई एप्स रन्स इन अ सीक्रेट मोड वुड बी एक्टिव इन अ बैकग्राउंड ऑल द टाइम. वो भी आपका इंटरनेट की बैटरी को, आपके फोन की बैटरी को यूज करता है. Unwanted apps on your phone. Out of nowhere, if you find some apps on your phone that are not downloaded by you, then there is a possibility that your phone has been tampered with. This unwanted app could be spy app or disguising as any other app. अगर आपने कोई ऐसा app जो आपने download नहीं किया आपके phone में है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है कि spy app हो. Overheating of cell phone. The spy app is also capable of tracking the real-time location of your device, and for this, it uses the GPS functioning of your device, which overheated. जब आपके locations को spyware locate कर लेता है, तो आपके GPS function को वो use करता है, जिससे device जो होती है वो overheat हो जाती है. Increase in data usage. Since your mobile data would be monitored by some other tool, it will also be sent remotely. This will drastically spike the data usage on your device. Always check for the unexpected peak in data usage. अगर आपका data usage बहुत अधिक है तो हो सकता है कि कोई आपके mobile के monitor कर रहा हो और कोई remotely आपको देख आपके data को use कर रहा हो. तो जब डेटा यूसेज दूसरे डिवाइस के द्वारा भी होगा तो वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्टीलिंग हो जाएगी डेटा की. पीकिंग मीन्स स्टीलिंग होगी, आपके डेटा को कोई चुरा लेगा. डिवाइस माल फंक्शन. इफ योर डिवाइस हैज स्टार्टेड टू माल फंक्शन ऑल ऑफ अ सडन, देन चांसेस आर दैट योर फोन इज बीइंग मॉनिटर्ड. अगर माल फंक्शनिंग कर रहा है आपका फोन, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं कर रहा है, तो वो किसी के द्वारा मॉनिटर करा जा रहा है. फ्लैशिंग ऑफ ब्लू और रेड स्क्रीन, और ब्लू और रेड स्क्रीन आप में
flash only, automated settings, unresponsive device, etc. तो automated setting unresponsive device हो जाएगा, आपके according वो काम नहीं करेगा. Could be some sign that you can keep a check on. तो इस तरह की चीजों को आपको चेक करना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि आपका डिवाइस अनवांटेड वर्क ना करे. बैकग्राउंड नॉइज विल मेकिंग कॉल. सम ऑफ द स्पाइंग एप्स कैन रिकॉर्ड द कॉल मेड ऑन द फोन टू बी श्योर लिसन केयरफुली व्हाइल मेकिंग अ कॉल. इफ देयर इज अ स्लाइट बैकग्राउंड नॉइज और इको देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर फोन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. अगर बात करते समय किसी की बात आ रही है तो हो सकता है कि आपका फोन किसी के द्वारा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया हो और वो आपकी बातें सुन सकता हो. एड ऑड ब्राउजर हिस्ट्री. चेक द ब्राउजिंग ऑफ योर फोन टू नो इफ योर फोन इज बीइंग मॉनिटर्ड. समवन मस्ट हैव ओपन्ड अ फ्यू लिंक्स टू डाउनलोड अ ट्रैकिंग और स्पाइंग ऐप ऑन योर डिवाइस. अगर कोई आपका फोन मॉनिटर कर रहा है तो आपकी हिस्ट्री में पता लग जाएगा कि कोई किसने क्या लिंक डाउनलोड किया है या ट्रैक किया है या स्पाई किया है आपके डिवाइस में. नाउ व्हेन यू नो हाउ टू टेल इफ योर फोन इज मॉनिटर यू कैन फॉलो द स्टेप्स बिलो टू सेव गार्ड योर डिवाइस फॉर बीइंग मॉनिटर. अब अगर आप जान ही गए हैं कि आपका फोन किसी के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है तो कुछ आप स्टेप यूज करिए जिससे आपका डिवाइस सेफ हो जाए. पहला तो है फैक्ट्री रीसेट योर डिवाइस, अपडेट योर डिवाइस, फाइंड आउट द स्पाइंग ऐप एंड डिलीट इट, इंस्टॉल एंटीवायरस ऐप, प्रोटेक्ट योर फोन विद अ स्क्रीन लॉक, स्क्रीन पासवर्ड, पिन एंड फिंगरप्रिंट लॉक एंड टू फैक्टर सिक्योरिटी. तो लेकिन फैक्ट्री रीसेट योर डिवाइस सबको नहीं आता है और इसको करना भी अपने से नहीं चाहिए. जब तक कि आप पहले अपने डिवाइस की पूरी बैकअप नहीं बना लीजिए अदरवाइज आपका डिवाइस का सारा डेटा चला जाएगा. तो टाइम टू टाइम अपने डिवाइस को अपडेट करिए और ऐसा ऐप जो आपने डाउनलोड नहीं किया है फिर भी आपके फ़ोन में उसको डिलीट कर दीजिए. कोई एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए, फैक्ट्री से भी कुछ एंटीवायरस मिलता है. और आप अपने स्क्रीन को लॉक करिए, पासवर्ड लगाइए और पिन और फिंगरप्रिंट लॉक लगाइए और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं आप जिससे कि आपका फोन सेफ रहे. डज फैक्ट्री रीसेट रिमूव स्पाई एप्स फ्रॉम द फोन. क्या ऐसा फैक्ट्री रीसेट कराने से आपका स्पाई ऐप फोन से चला जाता है? फैक्ट्री रीसेट्स ऑल्सो नो एज मास्टर रीसेट इन्वॉल्व्स रीसेटिंग योर फोन बैक टू द फैक्ट्री सेटिंग. इट इरेजेस ऑल द डेटा सेटिंग एंड एप्लीकेशन दैट वर प्रीवियसली ऑन द डिवाइस, हेंस यू कैन गेट रिड ऑफ स्पाई ऐप टू. अब क्योंकि फैक्ट्री रीसेटिंग करने से पूरा डेटा चला जाता है और इसलिए जो स्पाईवेयर होगा वो भी ऐप भी वो भी डिलीट हो जाएगा और आपके फोन बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा. कैन अ पर्सन री, लेकिन आप जो डेटा बैकअप बना के धरे हैं उसको पहले एंटीवायरस से रन करके क्लीन कर लीजिएगा तब फिर उसको फिर से इंस्टॉल करिएगा. क्योंकि आपने उसको ड्राइव में डाला तो पहले उसको क्लीन किया था कि नहीं किया था तो हो सकता है उसमें कुछ कुकीज़ या कुछ पड़ा हो स्पाईवेयर का. तो बी अलर्ट एंड स्कैन योर डेटा बिफोर डाउनलोडिंग ऑन द रीसेट फोन. जो फ़ोन आपने रीसेट किया है उसमें डालने से पहले उस डेटा को क्लीन कर लीजिए. Can a person read my text message from their phone? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी आपके फोन से टेक्स्ट मैसेज को पढ़ ले? Yes, if someone has a hacked your phone, then he or she can surely read your text message. And to do the same one, need to install a tracking or spying app on your smartphone. तो अगर किसी ने आपका फोन हैक किया है तो वो आपके डेटा को, आपके टेक्स्ट को ईजिली पढ़ सकता है और स्पाई ऐप लगा सकता है. कैन समवन स्पाई थ्रू अ फोन कैमरा? क्या कैमरे से भी लोग स्पाई करते हैं? यस, यू कैन बी स्पाइड बाय द
through the camera of your smartphone. There are several applications that can be found online that assist in spying on someone through their cell phone camera. आपका कैमरा अगर ऑन है तो उससे भी लोग स्पाई कर सकते हैं और आपके डेटा को पढ़ सकते हैं और हार्म पहुंचा सकते हैं। कैन अ सेल फोन भी हैक विदाउट इंटरनेट? क्या बिना इंटरनेट के भी सेल फोन हैक हो सकता है? स्मार्टफोन कैन बी हैक विदाउट द इंटरनेट? हैकर्स मे बी एबल टू स्नीक इनटू योर मोबाइल जस्ट बाय एनालाइजिंग अ लो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल योर डिवाइस एमिट। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट ना हो तब भी हैकर आपके मोबाइल फोन को हैक कर ले, क्योंकि वो जो लो पावर इलेक्ट्रॉनिक डेटा एमिट करता है, सिग्नल देता है, उससे वो डिवाइस को हैक कर लेते हैं। What happens when your phone is hacked? अगर फोन हैक हो गया तब क्या करना चाहिए? When your phone get hacked, the hacker will have access to all data and accounts. अब वो तो आपका पूरा डेटा ही ले जाएगा अकाउंट से। You will have to check your social media, email for password, reset prompt, unusual login, location or new account sign up, verification. उसके लिए आपको सारे ईमेल्स अपने पासवर्ड बदलने पड़ेंगे और लॉगिन लोकेशन अनयूजुअल लॉगिन लोकेशन और न्यू अकाउंट साइन अप वेरिफिकेशन को चेक करना पड़ेगा। तो उसमें गूगल में फैसिलिटी दी है जिससे आप अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। डस फैक्ट्री रीसेट रिमूव हैकर्स? क्या हैकर्स को फैक्ट्री रीसेट करने पे रिमूव कर पाती है? फैक्ट्री रीसेट रिमूव ऑल एप्स डेटा मैसेजेस कॉन्टैक्ट एंड कॉल हिस्ट्री। इन एडिशन टू दिस इट विल रिमूव ऑल काइंड ऑफ स्पाई एप्स, मलेशियस डाउनलोड मालवेयर, ट्रोजन एंड वायरसेस। सो इफ योर फोन हैज बीन हैक्ड यूजिंग अ स्पाई एप, इट विल ऑल्सो बी रिमूव। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैक्ट्री रीसेट करिए तो आपके जितने स्पाई एप्स हैं, मलेशियस डाउनलोड मालवेयर है, ट्रोजन है, वायरसेस हैं, वो सब हट जाए। सो इफ योर फोन हैज बीन हैक्ड यूजिंग स्पाई एप, इट विल ऑल्सो बी रिमूव। तो अगर किसी स्पाई एप की वजह से आपका फोन हैक हुआ था तो वो उसमें से हट जाएगा। वॉट हैपन आफ्टर द फैक्ट्री रीसेट? ऑल द डेटा फ्रॉम योर फोन इज इरेज आफ्टर द फैक्ट्री डेटा रीसेट। Moreover, the data that you have stored in your Google account is saved. All apps and data will be uninstalled after the factory reset. तो factory reset कराने से पहले अपने data का पहले backup बनाइए, फिर उसको Google Drive में डालिए, फिर आप अपने data, अपने apps और data को uninstall करिए। Otherwise, आप अपने सारे data को खो दीजिएगा। लेकिन अब ये बैकअप बनाते कैसे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अभी के लिए इतना ही है। सो दिस इज ऑल व्यूअर्स, इफ यू लाइक देन यू प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड प्लीज फॉलो माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर एंड माय ऑल सोशल मीडिया लिंक्स एंड गो टू द कम्युनिटी। देर आर सेवरल क्वेश्चंस, यू आंसर इट एंड follow my Telegram channel.